राज्य की जीरो टॉलरेंस सरकार में भ्रष्टाचार का असर देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा तहसील में नेपाल बॉर्डर के रास्ते 22 पुल से तेल फॉल तक 1.5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क को एक बार अवश्य देख ले। 1.5 करोड़ की लागत से बन रही यह सड़क अपने निर्माण के साथ ही जगह जगह से टूटनी शुरू हो गई है। सड़क निर्माण के दौरान डामर का प्रयोग इतना कम किया गया है कि सड़क में जगह जगह बजरी फैल गई है, साथ ही सड़क के ऊपर घास भी उगने लगी है, जिससे दुर्घटना की संभावना काफी बढ़ गई है। वहीं ग्रामीण भी घटिया तरीके से सड़क निर्माण की शिकायत करने SDM और लोक निर्माण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, परंतु कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क घटिया तरीके से मानकों को ताक पर रखकर बनाई गई है, जिस कारण यह सड़क बनने के साथ ही टूटनी शुरू हो गई है और जल्द ही आने वाली बरसात में यह सड़क एक बार फिर से उखड़ सकती है। उनकी मांग है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर सड़क को जल्द ही सही कराया जाए। बिल्कुल मानक के हिसाब से हो रहा है। इस पे जो भी प्रोविजन किए गए थे, आपके GHB है, G1, G2, G3 है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर मोटी PC आती है, PC के बाद इसमें सील कोट होता है। कार्य बिल्कुल मानक के अनुसार हो रहा है, इस पर कोई कमी नहीं है। और यदि कहीं पर कोई गलती आती है, कहीं कोई कमी पकड़ में आती है, तो नियमानुसार ठेकेदार से वसूली की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी ठेकेदार पर। बाकी मेरी नजर में तो कार्य बिल्कुल ठीक हो रहा है। इतना चाह रहे हैं कि ये जो रोड है मानक के आधार पर बने, इसमें जो PWD के अधिकारी हैं वो निरीक्षण करें, वो देखें ये रोड का रेशो क्या है, कितनी लियर पथरी, कितने कितने MM की पड़े, कैसे डबरा। अभी तो लेबरों से हमने बात किया, बोल रहे हैं साहब तेल ही नहीं है, यानी कि डामर ही नहीं हमारे पास, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। ये कहां से आएगा? अभी तो 3 साल ये रोड जो है, 2 साल लगभग ये रोड रोड़ी में इतने बड़े बड़े रोड़े लगे, कईयों के एक्सीडेंट हुए यहाँ, कई लोगों के हाथ पांव टूटे, उसके बाद हमारे गाड़ियों के, साइकिलों के, मोटरसाइकिलों के टायर घिस गए, तो तब जो है ये अब जो बनने लग गई है, तो कम से कम इसका 2-4 साल तो हम आनंद लें, कहीं ऐसा ना हो। मुझे देख लग रहा है कि कहीं ये बरसातों के बाद ही ना बोलने लग जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये किनारे किनारे, अभी ये गर्मी का सीजन है, बारिश हुई नहीं, धूप सनकने लग गई है, आप खुद देख लो। ये जहाँ देश में कच्ची शराब से मरने का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं कालाडूंगी में भी कच्ची शराब का धंधा जोरों पर है। कालाडूंगी क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीणों व महिलाओं ने तहसील पहुंचकर नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया है और SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। गांव गुलजारपुर राम सिंह, पूरनपुर व देवीपुरा के दर्जनों पुरुष व महिलाओं ने नशे व कच्ची शराब के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ बाहरी लोग कच्ची शराब लाकर हमारे गांव में बेच रहे हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है, साथ ही चरस व स्मैक भी लाकर बेची जा रही है। बड़े व युवा पीढ़ी इस नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कालाडूंगी पुलिस को बताने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर 10 दिनों के अंदर कच्ची शराब व चरस समेत स्मैक बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। बच्चे बिगड़े हैं, आदमी बिगड़े हैं, पढ़े लिखे बच्चे बिगड़े हैं, है? घर घरों में बिक रहा है, किनारे किनारे जंगल के किनारे, घर के किनारे दुकानें, दुकानें से पुड़िया बिक रहा है, पुड़िया पुड़िया मिल रहा है, पुड़िया पुड़िया मिल रहा है, पुड़िया पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या क्या बिगाड़ रहे हैं, चीजें क्या कर रहे हैं घर में। वालों के द्वारा डिमांड की गई है कि उनके क्षेत्र में कहीं पर जो है अवैध मदिरा की बिक्री हो रही है, तो इस संबंध में मेरे द्वारा SOs को और आबकारी विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें सघन चेकिंग करें और कार्रवाई करें। लाइव उत्तराखंड के लिए कालाडूंगी से ललित बधानी की रिपोर्ट।